प्यारे मित्रों, हम प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। इसमें मिसाइल के बारे में थोड़ा से पढ़ेंगे, भारत की मिसाइल, भारत और पाकिस्तान और चाइना की। इसके पहले हम पढ़ेंगे मिसाइल और इनकी क्वालिटियाँ, कितने प्रकार की होती हैं, मिसाइल किसको कहते हैं, क्या है ये चीज। मित्रों, मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र, मित्रों एक बार फिर से आपसे वही कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। जो आप कर सकते हैं उतना कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, पता नहीं क्या क्या होता है। फिलहाल आप लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। चलिए, ऐसे तंत्र मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र क्या होते हैं? ऐसे तंत्र जो हवा में छोड़े जाने के उपरांत प्रक्षेप पथ का अनुगमन करते हैं, प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल कहलाते हैं। मिसाइल आप लोग जो है, अभी हाल में दिवाली हुई है, जो वहां पर आप जो है लेके जाते हैं राकेट वगैरह, जो है ना राकेट आप दगाते हैं, राकेट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ब्लास्ट होता है। तो समझ लीजिए जो ब्लास्ट होने वाला पार्ट होता है उसे वारहेड कह सकते हैं हम। और यहाँ पर जो ऊपर ले जाने वाला पार्ट है, जो जो गति से जो ऊपर जाता है उसे कहते हैं प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल, ठीक है। तो मिसाइल का काम होता है वो वारहेड को केवल अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। बाकी मिसाइल अपने आप में कोई भी विस्फोटक नहीं होता, कोई बम नहीं होता। बम सिर्फ वही होता है जो उस पर हम लगाते हैं, जो उस पे ऊपर हम जो उसके ऊपर हम जिस बम को लादते हैं, ठीक है। बम मिसाइल का काम होता है अपने स्थान पर उस पर लगाए गए वारहेड को या बमों को उड़ते हुए ले जाकर वहां पर पहुंचाकर वहां पर गिरा देना। गिरने के बाद बम का कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है मित्रों। मिसाइल का कार्य एक प्रकार से समझ लीजिए कि बमों को ले जाने वाला वाहन होता है, ठीक है। जैसे हम खास करके इसीलिए मिसाइल बनाए गए हैं कि बिना कहीं जाए हुए, बिना हवाई जहाज का प्रयोग किए हुए अपने हथियारों को, अपने बमों को उन क्षेत्रों में प्रयोग करना, ठीक है। तो देखिए, मिसाइलों की जो श्रेणी होती है वो कई दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं हम देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियमों के अंतर्गत चलने वाली मिसाइलें होती हैं। छोड़ने के बाद सीधे लक्ष्य तक ही पहुंचकर रुकती हैं, अर्थात बीच में इनको रोका नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर जो है मिसाइल को यहाँ से अगर छोड़ दिया गया तो सीधे इनकी जो है जो मारक क्षमता के अनुसार जिस एंगल पर छोड़ा जाएगा उसी सीधे ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे गिरेगी, ठीक है। ये इनका प्रक्षेप मार्ग होता है, छोड़ने के बाद पीछे लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकती हैं। छोड़ने के बाद इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बीच में रोकना इनको असंभव है। कम दूरी से लेकर अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों के अंतर्गत होती हैं या हो सकती हैं। भारत की पृथ्वी, अग्नि आदि इसी श्रेणी में है, बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में। सभी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें ही होती हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है, ऊंची उड़ान होने के कारण रडार की पकड़ में ये आ सकती हैं, ठीक है मित्रों। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइलें। इसमें कुछ खासियतें जो हैं, जो विशेषताएं हैं, इस प्रकार हैं, जो हमने आपको बता दिया। दूसरी होती है क्रूज मिसाइलें। यह मिसाइल जो लगातार ईंधन को जलाती हुई निर्देशन के अनुसार लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, क्रूज मिसाइलें कहलाती हैं। इनकी गति जो है कम होती है, यानी बैलिस्टिक की तुलना में कम होती है। उड़ान नीची होने के कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आती। गुरुत्वाकर्षण के नियमों से नियंत्रित नहीं होती, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियमों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये मिसाइलें कम दूरी की मारक क्षमता वाली होती हैं। गति कम होने के कारण इन्हें पहला नंबर छोड़ने के बाद निर्देशित एवं नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात इनकी दिशाओं को चेंज किया जा सकता है। इन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से रोका जा सकता है, इनकी दिशा को परिवर्तित भी की जा सकती है, ठीक है। ये क्रूज मिसाइलें होती हैं। अब देखिए, मारक क्षमता के आधार पर जो मिसाइलों की श्रेणी होती है वो इस प्रकार होती है। कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, या इसे कहा जाता है FRBM, फार्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर से कम, अर्थात यूं मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर से जिनकी मारक क्षमता, जिन प्रक्षेपास्त्रों की कम होती है, उसे कहा जाता है फार्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या कम दूरी तक मारक क्षमता वाली प्रक्षेपास्त्र।
उदाहरण में भारत की जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है वो इसी श्रेणी में है। दूसरा होता है मध्यम दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें, जिसे कहा जाता है MRBM, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक एवं 3000 किलोमीटर से कम होती है, जैसे भारत की अग्निवान अग्नि 2। यानी 1000 से 3000 के बीच की मारक क्षमता वाली मिसाइलें होती है मध्यम दूरी की। उसके बाद आ जाती है लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर के बीच में होती है, अर्थात 3000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 5000 किलोमीटर से कम जो मारक क्षमता वाली होती हैं, इन्हें कहा जाता है IRBM। भारत की जो अग्नि 3 और अग्नि 4 है, ये इसी श्रेणी की प्रक्षेपास्त्र हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें, ICBM, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें। इनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली सभी मिसाइलें इस श्रेणी में आती है। यानी जिन मिसाइलों की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, वे सभी जो है ICBM की श्रेणी में आती हैं। इसका जो फुल नाम होगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। भारत की अग्नि 5 से आगे की सभी सीरीज जो है अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें ही है, ठीक है मित्रों। ये हो गई मिसाइलों की या प्रक्षेपास्त्रों की श्रेणियां। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले भाग में भारत के अलग अलग प्रक्षेपास्त्र। तो एक बार फिर से, 2 प्रकार की होती हैं मिसाइलें, मिसाइलों की जो श्रेणी होती है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ये खास करके मिसाइलों की क्वालिटी के ऊपर होती है। उसके बाद मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों की जो क्वालिटी बनाई गई है वो है शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लंबी रेंज और अंतर महाद्वीपीय रेंज, ठीक है। फायर रेंज जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम होती है, मध्यम रेंज जिनकी मारक क्षमता 1000 और 3000 किलोमीटर के बीच में होती है, लंबी दूरी में जिनकी मारक क्षमता जो है 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच होती है, और अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों में वे सभी प्रक्षेपास्त्र मिसाइलें आ जाती हैं जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर के ऊपर होती है, ठीक है। तो मित्रों ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा छोटा जरूर है लेकिन अगले भाग में हम अगला चैप्टर बताएंगे, ठीक है। तब तक पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं।